दोबारा सवाल पूछता हूँ, क्या गैल्वेनोमीटर को सीधा सीधा डायरेक्टली एज अ वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं? यस और नो? क्यों? वही मेरा सवाल ये है, क्या हम एक गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली, है ना, यानी कि बिना कुछ चेंज किए हुए सीधा सीधा, यही होगा ना, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, वोल्ट मीटर के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, नहीं, पता नहीं, या फिर क्या बकवास सवाल है? हाँ, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कि क्या बकवास सवाल है? कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में डायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं कर सकते, है ना, मतलब आपका आंसर क्या है? नहीं। पता नहीं तो नहीं, नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर एक टर्म में कंडीशन के साथ। हाँ, वो टर्म्स कंडीशन क्या होगा? ठीक है, कर सकते हैं अगर, तो उन्होंने कहा, दीपक ने, कि विथ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन। क्या है वो टर्म्स कंडीशन? ये तो अच्छा आंसर है, लेकिन वो टर्म्स कंडीशन क्या है? सर, इसका टर्म कंडीशन ये हो सकता है कि सर एमीटर को सर लोड रेजिस्टेंस से लगाना है, उसके अक्रॉस में सर एमीटर लगा देते हैं। हाँ, सर गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस सर इन्फिनिटी कर देते हैं। कैसे सर इन्फिनिटी करेंगे? मतलब खुला छोड़ दें? नहीं सर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक रजिस्टर है सर्किट में और इससे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, तो मैं सीधा सीधा एक गैल्वेनोमीटर को यूज कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं एज अ वोल्ट मीटर? हाँ, अभी वो नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वही कर रहा हूं बिना कोई संशोधन किए सीधा सीधा। आप सीधा सीधा मतलब उठाया गैल्वेनोमीटर, खाली कैलिब्रेशन स्केल पे चेंज किया कि वोल्टेज लगा के, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, मैं कह रहा हूं कर सकते हैं, बैठिए, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि कर सकते हैं। आप कहेंगे ये तो उल्टा बात है, चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मैं आपको एक वोल्ट मीटर दूं जो मार्केट से आप लाते हैं खरीद के, क्या रहता है यहाँ जीरो से लेकर के, ऐसा रहता है ना 250 वोल्ट तक रहेगा या 300 वोल्ट तक रहता है ना, मैं कह रहा हूँ क्या इस वोल्ट मीटर को मैं किसी भी सर्किट में वोल्टेज नापने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? एक वोल्ट मीटर दे दिया है 0 से 300 वोल्ट का, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया के किसी भी सर्किट का मुझे अगर वोल्टेज नापना है तो मैं इसको वोल्ट मीटर के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? ओके, तो ये क्वेश्चन का तो आंसर मेरा ये है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि गिवन, इंग्लिश में लिख देता हूँ, गिवन अ वोल्ट मीटर 0 से 300 वोल्ट, कैन आई यूज इट डायरेक्टली, फिर कह रहा हूँ कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली टू मेजर वोल्टेज ऑफ अ एलिमेंट इन अ सर्किट इन द होल वर्ल्ड। हाँ, दुनिया का कोई भी सर्किट दूँ, वो कह रहा हूँ कि इसका नहीं कर सकते। माधव शर्मा ने कहा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? आइए आइए आइए, टॉपिक पे आइए। हाँ, कोई ऐसा सर्किट है जिसका
कोई ऐसा सर्किट है जिसमें 300 से ज्यादा है तो नहीं कर सकते, क्या होगा? वोल्टमीटर दम तोड़ देगा। वो तो है ना, इसका मतलब है कि हर बार हमें यह जानना जरूरी है कि रेंज क्या है नापने का, ठीक है? तो कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल एज ए वोल्टमीटर, लेकिन बहुत 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 कम वोल्टेज रेंज के लिए होगा, सर्टेन मिली वोल्ट नाप सकेंगे, क्योंकि माइक्रो एम्पियर का करंट ज़्यादा पास करेगा नहीं, तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप जो होगा किसी रजिस्टर के अक्रॉस अगर कर रहे हैं सर्टेन मिली वोल्ट तक चलेगा। अभी देखते हैं, ठीक है? ये जो है फैक्टर है, कर सकते हैं लेकिन किसी भी सर्किट के लिए नहीं कर सकते हैं। और हम जिस वोल्टेज लेवल पर काम करते हैं वो उस रेंज से ज़्यादा होता है, इसीलिए नहीं कर सकते हैं, है ना? तो अभी देखते हैं कि अगर कर सकते हैं तो कितने रेंज का वोल्टेज नाप सकेंगे। जब उससे ज़्यादा बड़ा रेंज का जाना है तो फिर दीपक की बात पे आएंगे कि सर एक रजिस्टर ऐड कर देते हैं ताकि ज़्यादा वोल्टेज नाप सकें। फाइन, सो ये कहानी है साहेबान वोल्टमीटर की, है ना? मैं उसी पे आज थोड़ा सा सोचा कि तो बेसिक वोल्टमीटर एनालॉग टाइप है ना, हम सारा एनालॉग पढ़ रहे हैं, डिजिटल तो पढ़ नहीं रहे। डिजिटल पढ़ने का इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए और काफ़ी सारा इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, सिर्फ डायोड या ट्रांजिस्टर से काम चलेगा नहीं, पूरा सर्किट एनालिसिस चाहिए। तो उसके लिए आपको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा, बट एनालॉग के लिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट जान करके काम हो जाएगा। तो एनालॉग टाइप मतलब PMMC बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, और PMMC का मतलब है कि हम किसको बना रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? कन्वर्जन तो हम जान रहे हैं। सो इन अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में, आर गैल्वेनोमीटर है, ये इसका पॉइंटर है, ठीक है? दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। सो किसी भी पीएमएमसी में जो डिफ्लेक्शन होता है थीटा, डिफ्लेक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, हाँ, करंट इन द मूविंग कॉइल, थैंक यू, करंट इन द मूविंग कॉइल, ठीक है? यानी थीटा जो है, सॉरी, और करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है, मान लीजिए यही कॉइल है ना, मूविंग कॉइल का अपना रेजिस्टेंस है, यही आपका मूविंग कॉइल है, मूविंग कॉइल का मैं रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, तो जब मैं इसे कोई करंट फ्लो कराऊंगा तो इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो जो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो प्रोपोर्शनल होगा जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, या मैं कह रहा हूं कि इसके अक्रॉस अगर मैंने कोई करंट दिया है, सॉरी वोल्टेज अप्लाई किया है, तो जो करंट फ्लो करेगा वो उस वोल्टेज ड्रॉप के प्रोपोर्शनल होगा, यही होगा ना? पहली बात की जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के प्रोपोर्शनल है, लेकिन करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यही होगा ना कि जो आई कॉयल है वो होगा जो वी कॉयल हो बाई जो आर कॉयल हो, है ना? रजिस्टिव कॉयल है, इंडक्टेंस इसका डीसी के लिए अभी हटा दीजिए। सो यही कह रहा है कि आई प्रोपोर्शनल टू होगा वी। तो अगर मैं इन दोनों बातों को देखूं तो मैं कह सकता हूं कि जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू होगा वोल्टेज, डिफ्लेक्शन जो है प्रोपोर्शनल टू होगा वोल्टेज, यानी कि थीटा आई के प्रोपोर्शनल है और आई जो है वी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि थीटा जो है वो वी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर जो है डिफ्लेक्शन दे सकता है प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो मैथमेटिक्स तो कह दिया कि भाई वोल्टमीटर सीधा बन सकता है, कैलिब्रेशन तो करना है,
1 वोल्ट दूंगा तो कितना थीटा होगा, 2 वोल्ट दूंगा तो कितना होगा, 3 वोल्ट होगा तो कितना दूंगा। इसका मतलब है कि ये तो प्रूफ कर दिया मैंने, एक तो कहा, अभी करके दिखा दिया कि थीटा प्रोपोर्शनल टू वी है, यानी अगर मैं वी में बदलाव करूंगा तो डिफ्लेक्शन होगा, यानी मैं वी के बदलाव को कैलिब्रेट कर सकता हूं। तो आई कैन कैलिब्रेट, इसका मतलब है कि वी कैन कैलिब्रेट अ गैल्वेनोमीटर टू वर्क एज अ वोल्टमीटर। देयरफॉर अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कैलिब्रेटेड, है ना, हम स्केल चेंज कर देंगे टू वर्क एज अ वोल्टमीटर। ओके, तो जो सवाल था, हाँ नहीं पता नहीं या क्या बकवास है, तो उसमें से हाँ यूज कर सकते हैं। बट अगली बात जो माधव ने गौर कराई कि रेंज, अगर हमने बिना सोचे समझे काम किया तो फिर हम इंजीनियर नहीं। इंजीनियर पहले सोचता है, समझता है, मैथमेटिक्स करता है, तभी उसके बाद कुछ चीज़ को हरकत में लाता है ना। हम पहले एनालिसिस डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि एक बार ज़रा सा 440 वोल्ट के दो तार के बीच में मैं हाथ लगा के देखूं क्या होता है, तो फिर रिपोर्ट राइटिंग मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा है ना। हाँ, पहले पोस्टमार्टम में चला जाएगा ना उस आदमी का शरीर, तो दूसरा रिपोर्टिंग करेगा कि इनके बीच में 440 वोल्ट के कारण इतना करंट फ्लो कर गया, ये तो भाई परलोक से हार गए। फिर उस रिपोर्ट को देख के बाकी कहेगा ये काम नहीं करना। तो इंजीनियर को जो है वो खतरे की संभावना को देख के चलना है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि आई कैन कैलिब्रेट अ वोल्ट मीटर, है ना, हाँ, यानी द स्केल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कुड बी कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट द अप्लाइड वोल्टेज, है ना। स्केल को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर कैन बी डायरेक्टली यूज एज वोल्ट मीटर, बट विद सर्टेन लिमिटेड वोल्टेज रेंज। बस ये होगा, यानी अगर कोई SSC का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए 2023 का CBT 2 में और वहाँ अगर वो बोल दे कि गैल्वेनोमीटर कैन बी डायरेक्टली यूज एज अ वोल्ट मीटर, स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, नहीं पता है, या फिर चौथा कोई ऑप्शन ही जैसा, ऐसा तो नहीं रहेगा कि क्या बकवास है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हड़बड़ में जाके कहोगे नहीं नहीं कर सकते, क्योंकि आपने पढ़ा सीधा ये है कि गैल्वेनोमीटर से पहले रेजिस्टेंस ऐड करेंगे तब वोल्टमीटर बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है, बन गया, हम कैलिब्रेट करके स्केल बना देंगे, लेकिन क्या दिक्कत है, वो एक मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल मैंने आपके लिए बनाया है, तैयार किया है, उससे समझा देता हूँ। तो ये लिख लिया, एक्सेप्टेड है, बिल्कुल बन सकता है भाई, वोल्टेज को नाप के डिफ्लेक्शन दे रहा है ना। देखो इस चीज़ को देखा ना, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई देखा, इस इक्वेशन को देख के तो मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर से मैं एक एमीटर बना सकता हूँ, मतलब डिफ्लेक्शन जो है मेरे करंट के मैग्नीट्यूड को रीड कर सकता है। यहाँ देख के मैं बोल सकता हूँ कि मैं, मान लो मैं 1 वोल्ट दूँ, थीटा कितना आ रहा है ये देख लेंगे, 2 वोल्ट दूँ, 3 वोल्ट दूँ, 4 वोल्ट दूँ मान लीजिए, या 1 मिली वोल्ट दूँ, 2 मिली वोल्ट दूँ, 3 मिली वोल्ट दूँ, 4 मिली वोल्ट दूँ, कितना एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से स्केलिंग कर देता हूँ। सपोज करिए कि मेरा, मैं देख रहा हूँ कि इसको देख करके, मान लीजिए ये मान रहा हूँ, ऐसा डेटा असली नहीं है, कि ये देख रहा हूँ कि फॉर 1 मिली वोल्ट थीटा है 10 डिग्री मान लीजिए, फिर 5 मिली वोल्ट थीटा है 30 डिग्री, फिर 10 मिली वोल्ट थीटा है 60 डिग्री, फिर 15 मिली वोल्ट 90 डिग्री मान लीजिए, 20 मिली वोल्ट 120 डिग्री, 25 मिली वोल्ट 150 डिग्री, ऐसे करके मान लीजिए। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा ठीक है ये स्केल बना लो, ये पॉइंटर लगा लो, यहाँ 10 डिग्री लगा लो, 20 लगा लो, 30 लगा लो, 30 के बाद फिर 60 लगा लो, सॉरी 60 यहाँ आ जाएगा, 90 लगा लो, ऐसे 10, 20, 30, 30 के बाद 60 लगा लो, 90 लगा लो, 120 लगा लो, 150, 100, ऐसे करके, और फिर मैं यहाँ लिख दूंगा कि भाई 120 डिग्री पर, 120 डिग्री पर घूमता है, तो यहाँ यानी 20 मिली वोल्ट लिख दिया, बन गया वोल्ट मीटर, वो तो बन जाएगा, है ना। बट मिली वोल्ट होगा, हो सकता है जिस वोल्टेज को हम नापना चाह रहे हैं उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। तो बन तो गया, मैथमेटिक्स भी बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं क्वांटिटी को इंटरेस्टेड हूं उसको प्रोपोर्शनली दिखा रहा है, तो बन जाएगा, ठीक है। बट कैसा बनेगा वो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। हाँ क्यों नहीं होगा, डिफ्लेक्शन क्यों होगा, वोल्टेज से होगा, करंट से होगा, अगर जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर जाए तो। इसलिए कह रहा हूँ, क्वेश्चन देखिए, सपोज
सपोज बिफोर यू अपोज मी, बिफोर यू अपोज फर्स्ट सपोज. सो सपोज वी हैव अ गैल्वेनोमीटर, सपोज वी हैव अ गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉयल रेजिस्टेंस, हैविंग कॉयल रेजिस्टेंस 100 ओम. कॉयल रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम. एंड इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करेंट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर. फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करेंट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर. सो इफ we are directly using the galvanometer as a voltmeter hai, what would be the range of वोल्टेज मेजरमेंट? मैं कितने बड़े वैल्यू का वोल्टेज नाप सकता हूँ? मेरी सीमा क्या है वोल्टेज नापने की? मैक्सिमम सीमा क्या है, अधिकतम सीमा? हाँ, माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर. मैं कह रहा हूँ भाई गैल्वेनोमीटर था, इसको मैंने पैनल में लगा दिया, जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस लगा दूँ तो ठीक है, लेकिन ये तो डर लग रहा है कि बर्न हो जाएगा. तो कब बर्न होगा? जब उससे रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो कर जाए. इसका मतलब जब जो भी करंट फ्लो करेगा आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन से ज़्यादा, तो वोल्टेज ड्रॉप आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन इनटू आर होगा. तो अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दूंगा तो बर्न हो जाएगा. तो आई को कंट्रोल करने के लिए मुझे उसको वी कंट्रोल करना है, यानी इससे अधिक ज़्यादा करंट वोल्टेज ना अप्लाई करो, यानी इससे ज़्यादा अधिक वोल्टेज को मैं मेज़र करने का कामना ना करूं. ये तो मतलब है, लिमिटेशन में रहूं, मर्यादा में. तो इस वोल्ट मीटर की क्या मर्यादा है वो जानना है हमें, रेंज, कितने रेंज तक का मेजर कर सकता है. तो रेंज का मेजर करने के लिए मैं कह रहा हूं कि ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका आर जी यानी जो इसका रेजिस्टेंस है कॉयल का वो 100 ओम है, ये इसका पॉइंटर है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, मान लीजिए यहां पर यह जीरो डिफ्लेक्शन है. तो मैंने अगर इसको सप्लाई दिया, जो भी वोल्टेज मैं मेजर कर रहा हूँ, ये कब तक काम करेगा, कब तक जिंदा रहेगा? जब तक कि आई फुल स्केल डिफ्लेक्शन स्मॉलर देन या इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर है, तभी तक जिंदा है ना, है ना? जिंदा है तू प्याला पूरा भर ले, सुना है? नहीं सुना है? मिल्खा सिंह मूवी नहीं देखा है? अरे गाना सुनना जाके, इस गाने को, इतना स्ट्रांग सॉन्ग है ना, आरिफ, बहुत अच्छा गाना है. जिंदा है तू प्याला पूरा भर ले, कंचा फूटे पूरा कांच कर दे, जिंदगी का ये घड़ा ले एक सांस में चला चढ़ा ले, हिचकियों में मरना क्या है पूरा भर ले, है ना? कोयला काला है चट्टानों ने पाला है, अंदर काला बाहर काला पर सच्चा है साला, ऐसे करके एक बहुत सुंदर गाना है मिल्खा सिंह मूवी पे, बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग है, सारे मूवीज सारे सॉन्ग अच्छे हैं. सो ये कह रहा है कि भाई 100 माइक्रो एम्पियर से तो भैया मेरे से ज़्यादा करंट पास मत कराना. अगर तुमने मेरे से 100 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा करंट पास कराया तो मैं क्या कर जाऊँगा? फेल कर जाऊँगा, है ना? तो अगर मुझे जिंदा रखना है तो हे प्रभु 100 माइक्रो एम्पियर से कदापि जो है ज़्यादा करंट पास मत कराना. तो आप कहेंगे कि 100 माइक्रो एम्पियर के लिए मुझे ये देखना है कि वोल्टेज तुम्हें मैं कितना दे सकूं, यानी पहले तुम्हारा वोल्टेज ड्रॉप देखूं. सीधी सी बात है. तो मैं कहूंगा कि अच्छा, ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो जो वोल्टेज अक्रॉस जो कॉयल है वो तो हो रहा है आई कॉयल इंटू आर कॉयल. अब मैं कह रहा हूं कि जो आई कॉयल है, मैं कह रहा हूं कि आई, मैं मतलब गैल्वेनोमीटर कह रहा है कि जो आई कॉयल है वो स्मॉलर देन या इक्वल टू रखना आई एफ एस डी के. ये स्पेस ने ये लगा दिया कॉन्स्टेंट, है ना? यानी गैल्वेनोमीटर का अगर डब्बा बिकेगा
मान लीजिए मेरी कंपनी अगर कोई गैल्वेनोमीटर का डब्बा बनाएगी तो इधर मैं लिख दूंगा आई कॉयल ग्रेटर देन 100 माइक्रो एम्पियर इज इंजूरियस टू गैल्वेनोमीटर। हाँ ये कहाँ 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 रेंज ऑफ बी द वुड बी द बी और द यहाँ कागज साट दिया ना किसी ने तो ये कह रहा है कि 100 माइक्रो एम्पियर से ज़्यादा करंट इज इंजूरियस टू गैल्वेनोमीटर, ऐसा डब्बा पे लिख के भेजा जाएगा नीचे छोटे छोटे में ताकि तुम नहीं पढ़ो और जला दो। ठीक है हाँ ठीक है हाँ जैसे सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है ना वैसे। तो ये कह रहा है कि IFSD इतना होना चाहिए फाइन, यानी ये कंडीशन को ध्यान में रख करके आप वोल्टेज अप्लाई करिए। तो मान लीजिए इसको ध्यान में रखा तो ये क्या कहेगा कि आई कॉयल इससे छोटा है, इसका मतलब है कि वी जो कॉयल होगा वो शुड बी स्मॉलर देन IFSD आर कॉयल, यही तो कहेगा। इसका मतलब ये शुड बी स्मॉलर देन या इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर इंटू 100 ओम, कितना आया मैंने कितना लाया, अच्छा यहाँ 100 लिख दिया ठीक है हाँ कितना आया हाँ तो ये आ जाएगा आपका 10 मिली वोल्ट। आप जो कह रहे हैं क्या लाया आप 0.01 वोल्ट, तो 0.01 तो वोल्टेज रेंज में ठीक है लेकिन मैं डिसिमल में सोच नहीं पाता हूँ तो उससे अच्छा मैं मिली वोल्ट पे जाता हूँ। क्या करूँगा 0.01 इंटू मिली से मल्टीप्लाई किया और मिली से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो इस मिली को तो रहने दूंगा, मुझे मिली वोल्ट चाहिए, इसको चेंज कर दूंगा तो 0.01 बाई 10^-3 मिली वोल्ट, तो 0.01 इंटू 10^3 ऊपर आ गया मिली वोल्ट यानी कि 10 मिली वोल्ट। ये कन्वर्जन आप सीख लीजिए प्रीफिक्स सफिक्स को यूज़ करके, ऐसा मत सीखिए कि 1 मिली वोल्ट में 1000 वोल्ट होता है, ऐसा सा वो बच्चों वाला तरीका है। प्रीफिक्स हटाइए प्रीफिक्स लाइए, जिस चीज़ को रखना है उसको रखिए उसको ऊपर नीचे, फिर जिसको चेंज करना करिए बाकी मिली वोल्ट। तो ये 10 मिली वोल्ट, इसका मतलब है कि ये जो वोल्ट मीटर बनेगा उसका रेंज क्या होगा 0 से 10 मिली वोल्ट। क्या है 10 मिली वोल्ट? कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप कहोगे ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, हम ऐसा कोई रेंज में काम ही नहीं करते हैं। इसलिए आप कह देंगे कि भाई गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट वोल्ट मीटर में यूज़ नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं बट विद द स्टेटमेंट कि इट विल बी अ वोल्ट मीटर ऑफ वेरी लो वोल्टेज रेंज। ठीक है वेरी लो वोल्टेज रेंज चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। तो इतना अच्छा बात मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या हुआ, महान महान बातें हैं। मल्टीमीटर में हाँ कौन सा क्वेश्चन है अभी आया है पता नहीं मुझे याद नहीं देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है हाँ ये अच्छा अच्छा रेजिस्टेंस के लिए आया होगा तो क्या 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 लिखा क्वेश्चन क्या लिखा था हाँ तो है कि नहीं सुटेबल हाँ हाँ ठीक है समझ गया मैं सुटेबल है कि नहीं है नहीं सुटेबल है लो रेजिस्टेंस मीडियम रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस तो मल्टीमीटर जो है वो मीडियम रेजिस्टेंस को नापने के लिए 1 ओम के नीचे नाप देखिए आप ना रेंज देखिए मल्टीमीटर का तो आप देखिएगा लास्ट कितना होता है 0 से 200 ओम लिखा होता है बट आप रिकॉर्ड करिए हाँ 200 ओम हाँ तो हाई रेजिस्टेंस के लिए मेगर है लो रेजिस्टेंस के लिए ब्रिज सर्किट है केल्विन और ये मीडियम रेजिस्टेंस के लिए मल्टीमीटर ठीक है कोई बात नहीं गलती नहीं करेंगे तो कभी दोबारा गलती जो है वो होने से बच नहीं पाएंगे। जो गलती जीवन में एक बार कर लिया ना और अगर आप प्रोग्रेस की तरफ हैं आप कभी भी वो गलती दोबारा नहीं करेंगे चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो चाहे इमोशनल हो जो भी हो आप मैच्योर हो जाएंगे कहेंगे ना ना बाबा ये मामला खतरा वाला है ठीक है हाँ ना ना अभी नहीं हुआ है पेपर सामने चेक करूँगा फीडबैक के साथ हाँ ठीक है तो ये एक्सेप्टेड है अग्रीड और कह रहा हूँ कि अगर एक गैल्वेनोमीटर है जिससे मैं 200 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करा सकता हूँ अधिकतम और
रेजिस्टेंस देता हूँ मैं मान लीजिए 500 ओम, तो बताइए कि मैं इससे वोल्टमीटर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। तो आप कहेंगे बना सकता हूँ। पूछ रहा हूँ कितने रेंज का बना सकता हूँ, रेंज बताइए। हाँ, 500 ओम का रेजिस्टेंस है और 200 माइक्रो एम्पियर अधिकतम मैं करंट अगर फ्लो करा सकता हूँ गैल्वेनोमीटर से, तो कितने रेंज का वोल्टमीटर बना पाऊँगा अगर डायरेक्टली यूज़ करना है? 50 मिली वोल्ट? नहीं, ख्याल नहीं होता है, इंजीनियर का ख्याल नहीं होता है, करके देखना होता है। इंजीनियर का मतलब करके देखिए, है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ख्याल क्यों आता है, तो वो नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, एक बार करके देखिए और ऐसे सोचिए एक बार। देखिए आप ना अपने आप को बोल के करने से क्या होता है, आपका ब्रेन सुनता है। तो ऐसा ऐसा डायग्राम बनाइए, ऐसा करके FSD लिखिए, फिर ऐसा बोल के करिए, इसको करके देखिए। आप मल्टीप्लाई करके फटाक से कर लेंगे, लेकिन एक बार ऐसे सोच के करिए कि मेरा ये गैल्वेनोमीटर है। अब मेरे किताब ने बोला है कि जो IFSD है वो शुड बी स्मॉलर देन 200 माइक्रो एम्पियर। तो मैं कहूँगा ठीक है, वी कॉयल आई कॉयल इन टू आर कॉयल है, बट गिवन कंडीशन में आई कॉयल शुड बी स्मॉलर देन IFSD, यानी दिस शुड बी 500। सो 200 इंटू 500 इज 100,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,000। 200 गुना 5 1,000, तो 50 10,000 ना, 100,000 1,00,000 हो जाएगा। तो 1,00,000 गुना कितना हो गया, इंटू माइक्रो है तो 0.1 आएगा, तो 100 मिली वोल्ट आ जाएगा। तो 0 से 100 मिली वोल्ट तक करिए करिए, इसलिए बोला करके देखिए। है ये तो माइक्रो है ना, 200 माइक्रो एम्पियर इंटू 0.1 यानी 100 मिली वोल्ट। 0.1 को 1000 से मल्टीप्लाई करिए तब तो मिली आएगा। सो यानी 0 से 100 मिली वोल्ट का वोल्ट मीटर बनेगा। इसलिए कहा उन्होंने, डायरेक्ट कह दिया आनंद ने 50 मिली वोल्ट है ना। मैं वही कह रहा हूँ, लगा मैं कहना कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि होता क्या है कि जब आप कंपटीशन एग्जाम में भी जाएंगे ना, आप प्री नोशन होते हैं कई बार क्या होता है कि आपका माइंड फिक्स होता है, आप फिगर देखते हैं और आप आंसर टिक कर देते हैं। एग्जामिनर को मालूम होता है कि मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आप बना के आए हैं, वो सिर्फ थोड़ा सा हेर फेर कर देगा, आप ओवरलुक कर जाइएगा, है ना। और फटाक से तो हमेशा करके देखना है, चाहे कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो, एक बार जांच लीजिए, ठीक है, फाइन। तो यानी हम गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर डायरेक्ट बना सकते हैं, बट इट विल बी अ वेरी लो रेंज। तो वेरी लो रेंज का वोल्ट मीटर होगा। ये इंफॉर्मेशन बुक में नहीं है, वो बैठ के बना रहा था मैं, ठीक है। सो इफ अ गैल्वेनोमीटर इज यूज एज वोल्ट मीटर डायरेक्टली, सो बिकॉज द कॉयल रेजिस्टेंस इज यूजली क्वाइट स्मॉल, चूंकि कॉयल रेजिस्टेंस स्मॉल है इसलिए वोल्टेज ड्रॉप जो है आपका उतना ही रहेगा, है ना। दिस वुड प्रोड्यूस ए वोल्ट मीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग ओनली वेरी लो वोल्टेज लेवल ऑफ द वोल्टेज। तो ऑर्डर सर्टेन मिली वोल्ट का रहेगा, ठीक है, मिटा दूं। हाँ, तो अब हमें जो बात आई, माधव ने जो कहा, जो दीपक ने कहा कि हमें रेंज बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम कहेंगे भाई देखो 100 मिली वोल्ट वाला तो हमारा काम है नहीं, हमें रोज का जो काम है, अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब में जा रहा हूँ तो कम से कम कुछ मिली वोल्ट या फ्यू वोल्टेज चाहिए, है ना। हाँ, 0 से 10 चाहिए, 20 चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लैब में जा रहा हूँ तो 300 वोल्ट तक चाहिए। तो बट गैल्वेनोमीटर ही यूज़ करना है, तो हम क्या कहेंगे, रजिस्टर को ऐड करो सीरीज में ताकि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाए उसके अक्रॉस, फॉर द सेम करंट। करंट तो अभी भी उतना ही रहेगा 100 माइक्रो एम्पियर, लेकिन मैं अगर एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूंगा, सॉरी सीरीज में लगा दूंगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ जाएगा, यानी मैं ज़्यादा रेंज पर डिफ्लेक्शन लेके आऊँगा, और कुछ नहीं, ठीक है। सो टू इंक्रीज द रेंज, यानी हम एक्सटेंशन ऑफ रेंज कर रहे हैं।
सो हम क्या करेंगे, वी विल ऐड ऐड अ रजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, बाकी सब वही है, अभी भी ये गैल्वेनोमीटर की बाकी जो आई कार्ड में वही लिखा हुआ है, खाली सेमेस्टर चेंज हो गया उसका। ठीक है ना, तो हाँ तुम्हारा नाम अभी भी वही है, रोल नंबर भी अभी वही है, लेकिन तुम्हारा सेमेस्टर हो गया कि अब तुम थर्ड में हो। तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसका IFSD अभी भी वही है जो मैं पहला एग्जांपल लिया था, मान लीजिए 100 माइक्रो एम्पियर। इसका जो RG है वो अभी भी वही है, 100 ओम जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, फाइन। और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऐड कर दे रहा हूँ रजिस्टर इन सीरीज। तो जब मैं सीरीज में ऐड कर दे रहा हूँ रजिस्टर, हाँ तो यहाँ से चेंज कर दे रहा हूँ मैं, तो हाँ सो ये मैंने रजिस्टर ऐड कर दिया। ठीक है, और बाकी जो है उसको प्लस और माइनस जब मैं सप्लाई दूंगा, तो अब करंट अभी भी वही है IFSD, यानी मैं अगर IFSD इससे फ्लो कराऊं, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, है ना, दैट शुड बी स्मॉलर देन, सॉरी मतलब आई कॉयल जो होगा दैट शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू IFSD। तो जब मैं ये फ्लो कराऊंगा तो मेरा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, या जो कहिए जो वोल्टेज आप मेजर करेंगे, यानी जो थीटा होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा अब वी, एंड दैट विल बी योर IFSD इंटू आर प्लस RG, यही हो जाएगा ना, वी ड्रॉप अक्रॉस दिस। दोबारा लिख देता हूँ, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू वी, वी ड्रॉप यानी कि इट इज प्रोपोर्शनल टू वी जो मेजर कर रहे हैं आप, यानी कि ये आई मतलब जो आई है इंटू आर प्लस RG। ठीक है, थीटा प्रोपोर्शनल टू हो गया, अब जो मुझे न्यू रेंज हो गया वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो अगर मुझे R निकालना है, ये R क्या है, मतलब मैं कितना रेजिस्टेंस निकालूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए, ठीक है, मैं कौन सा वोल्टेज रेंज चाह रहा हूं, मैं 10 वोल्ट चाह रहा हूं कि 20 वोल्ट चाह रहा हूं कि 200 वोल्ट चाह रहा हूं, तो मुझे ये ज्ञात वोल्टेज रेंज का वोल्टमीटर बनाना चाह रहा हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे R क्या रखना होगा। तो यहां से R का इक्वेशन आ जाएगा, जो V जो रेंज आप रख रहे हैं, ये बात कर रहा हूं V रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज वर्ड थोड़ा सा अजीब है, रेंज का तो मतलब 0 से 50 होता है, मान लो 0 से 100 मैं मैक्सिमम वैल्यू कह रहा हूं जो है, तो ठीक है ना, रेंज का मतलब यहां क्या है कि जो मैक्सिमम वैल्यू वो लिखना है, बाई सो ये हो जाएगा, सिंपल रिलेशन है, अलजेब्रिक भाई, मुझे एक कैल्वेनोमीटर है वो 10 मिली वोल्ट तक नाप सकता है, देख लिया मैंने, ये जानकारी नहीं दे जा रही थी, छुपाया, सीधा कह रहा था गैल्वेनोमीटर है और उसको मैं 50 मिली वोल्ट का बनाना चाहता हूँ वोल्टमीटर, तो ठीक है थोड़ा जान लो कि अगर नहीं बना रहा तो कितने का था, 10 मिली वोल्ट का था, उसको 50 वोल्ट का बनाना है, तो कितने वैल्यू का रजिस्टर मैं सीरीज में लगाऊँ ताकि 50 वोल्ट तक जब मैं अप्लाई करूँ तब वो फुल स्केल दे, यानी 50 वोल्ट तब 100 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करे, उससे कम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए R मुझे ये देना होगा। तो मैं तय करूंगा कि मेरा रेंज ऑफ वोल्टेज क्या है, मुझे ये जानकारी है कि भाई 100 माइक्रो एम्पियर इसका FSD है, नहीं बदलेगा, इसका 100 ओम जो है वो रेजिस्टेंस है वो भी नहीं बदलेगा, लेकिन मैं इसको बनाना चाह रहा हूँ एक वोल्ट मीटर ऑफ सो एंड सो रेंज, तो फॉर दैट R विल बी दिस। ठीक है, ये चीज़ है, सो मैं अगर इसको बनाना चाह रहा हूँ एक वोल्ट मीटर
ठीक है, गॉट इट। तो उसके लिए आर जो होगा मेरा वो ये होगा कि आप देख लो जो मैक्सिमम वैल्यू है रेंज का, रेंज यानी वी मैक्स लिखता हूँ, वी रेंज लिखता हूँ तो नोटेशन है, बाकी आर ये। तो अगर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब है कि मान लीजिए मेरा वी मैक्सिमम मैं 50 वोल्ट का बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आर क्या होगा अगर मैं 50 वोल्ट का मीटर बना रहा हूँ। तो यहाँ 50 वोल्ट फीड करिए बाई 100 माइक्रो एम्पियर करिए माइनस 100 ओम करिए, देखिए क्या आएगा। वो तो कैलकुलेटर से बताइए, 50 वोल्ट है बाई 100 माइक्रो एम्पियर है माइनस 100 ओम है, कितना आ रहा है ना। बताओ करो, करके दिखाओ। मैं एक वोल्ट गैल्वेनोमीटर आपको दे रहा हूँ जो कि अधिकतम जो करंट की सीमा है वो है 100 माइक्रो एम्पियर, जो रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं 100 ओम, और इसको मैं बनाना चाह रहा हूँ एक वोल्ट मीटर, नाम भी बदल दिया मैंने, छापा या जी लिखा था वहाँ वी लिख दिया। तो ये बताइए कितना, 50 मतलब 50 ओम मत समझिएगा, 50 का मतलब है 0 से 50 वोल्ट का अगर मैं वोल्ट मीटर बनाना चाह रहा हूँ तो आर क्या रख, ठीक है। ठीक है बताइए, यूज करिए है ना, बिना कैलकुलेटर के काम नहीं चलेगा। मानस कैलकुलेटर राखिए, बिन कैलकुलेटर सब सुन नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीदिए लेके आइए, ये 991 ठीक है, या इसे एडवांस कोई मिले तो, बस प्रोग्रामेबल नहीं लेना। कितना आया, 100 ms मत दीजिए, उसमें कुछ फंक्शन कम होते हैं, 991 में सारा कुछ है। कितना आया, 4 लाख, ना ना गलत है ना, 5 लाख क्या, 0.999 मेगा ओम आएगा, अच्छा 100 माइक्रो एम्पीयर, ठीक है हाँ बताओ कितना आ रहा है। अरे ये कितना होगा, ये कितना लिखा तुमने, 50 बाई 100 कितना लिखा, ये 6 जीरो लगाया कि नहीं लगाया, हाँ तो ये बाई 2 किया, 2 5 जा तो 5 लाख आ रहा है ना, तो 5 लाख में से 100 घटाओ, 0.0999 तो इतना ओम है ना। तो ऐसा कोई रजिस्टर मार्केट में बिकता है कि 4,49,000 नहीं, ऐसा नहीं बिकता है। इसको क्या करते हैं, 10^6 से डिवाइड करिए और 10^6 से मल्टीप्लाई करिए, तो इसका नाम हो जाएगा मेगा ओम, 0.499900 मेगा ओम, 1 2 3 4 5 6 तो यानी 0.5 मेगा ओम का रेजिस्टेंस आपको लगाना होगा, ये हुआ है ना, 0.5 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगाना होगा। मार्केट में जो भी वैल्यू हो सकता है एग्जैक्ट 0.5 ना हो, वो हो गया ठीक है। हाँ 1 मेगा ओम से कहाँ ज़्यादा लग रहा है, 0.5 एक मेगा ओम का आधा चाहिए, हाँ तो 500 किलो ओम हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर दो ना, और भाई ये डिवाइड 100 कर दो तो किलो में आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 500 किलो ओम के आसपास आ जाएगा। अगर आप मेगा में नहीं देख रहे हो, किलो में देख लो, 500 किलो ओम आ जाएगा ठीक है। तो ये हो गया, गॉट इट, बात समझ में आ गई क्या है। हाँ तो डबल का रेंज का आ जाएगा, हाँ 0 से 100 वोल्ट का रेंज बनेगा। सवाल देखिए, आपने चेंज कर दिया, आपने किया आर बोला मैं लगा देता हूँ 1 मेगा ओम ना,
वन मेगा ओम लगा दिया ना, तो आप देखिए वोल्टेज मेजर कितना होगा, ये होगा 100 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाई 1 मेगा ओम प्लस 100 ओम। तो 100 माइक्रो मतलब 10 द पावर माइनस 6 हो गया एम्पियर मल्टीप्लाई, इसको जोड़िए तो 1 मेगा ओम का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 100 जोड़ दिया, इतना बाहर लाइए, फिर उसको उसमें डेसिमल कर दीजिए, तो 0 0 है, 9 है, 4 है, मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 0.5, तो 100 इंटू जो है ये, कुछ गलत हो रहा है ना, ओह सॉरी माइनस कर दिया, हाँ तो माइनस कर, ठीक है तो फिर डबल जा तो रहा है, 100 मिली वोल्ट का 100 वोल्ट का बन जाएगा जीरो से, आप रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे डबल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ना प्रोपोर्शनल है ना, सीधा देखिए ना, ये वाला रिश्ता देखिए ना, आर को आप डबल करिएगा तो ये भी तो प्रोपोर्शनल हो रहा है आर के, आई आर के, तो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि 0.5 है तो आंसर नहीं 1 लगा देते हैं, तो फिर तो रेंज चेंज हो गया, सारी बात इसी पर टिकी हुई है कि हम किस वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया सिंगल रेंज वोल्ट मीटर, सिंगल रेंज 0 से 50 वोल्ट था अगर 0.5 मेगा ओम लगाया, 0 से 100 हो जाता है अगर 1 का लगा दो, तो मैं बना सकता हूँ मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, रजिस्टर ही तो चेंज करना है और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, है? हाँ तो ये गैल्वेनोमीटर है मान लीजिए, और आपके अनुभव से ये पता चल गया कि अगर मैं इसमें अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर कनेक्ट करूं, है ना, अलग अलग वैल्यू का रजिस्टर कनेक्ट कर दूं, सो अलग अलग रजिस्टर के लिए R1, R2, R3 सेम है मान लीजिए, यही कह रहा हूँ, ये 100 ओम है बातें नहीं, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन 100 माइक्रो एम्पियर है, तो अगर आपने 0.5 मेगा ओम का रजिस्टर लगाया तो ये 50 वोल्ट का बन जाएगा, अगर ये स्विच मैं बदल दूँ सी अगर मान लीजिए 1 मेगा ओम का है तो फिर ये 100 मिली ओम का 100 वोल्ट का बन जाएगा, अगर मैं R3 2 मेगा ओम का कर दूं तो फिर ये उसके हिसाब से 200 का बन जाएगा, सो मुझे अगर सेलेक्टर स्विच है मेरे पास तो मैं एक ही गैल्वेनोमीटर लूँगा और डिफरेंट कलेक्शन लूँगा इसका और यूज़ कर लूँगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दूसरा तरीका क्या है, हाँ दूसरा तरीका ये है, 1 2 3 टैपिंग, तो ये टैपिंग हो गया ऐसे ऐसे, दोनों के तरीके में अंतर आ जाएगा ना, यहाँ फॉर्मूला, यहाँ आप कह रहे हो कि आर एन जो है वो वी एन है रेंज बाई आई एफ एस डी माइनस आर जी, यानी एन अगर 1 है तो मैं यहाँ एक अलग रेंज आएगा 50 वोल्ट का रेंज, एन अगर 2 है यानी दूसरा, यहाँ क्या होगा कि हर बार ऐड होगा, अगर हाँ R1, R2, R3 तो अलग अलग टैपिंग पे पुराना वाला ऐड होगा, यहाँ क्या हो रहा है बेदखल कर दिया दूसरे को शामिल कर लिया, तो यहाँ एक्सक्लूसिव है, इसको हटाया तो ये आया, इसमें क्या हो रहा है जब मैं सिलेक्टर स्विच को चेंज करूँगा तो वो या तो हाँ या तो वो ड्रॉ आउट हो रहा है या फिर वो शामिल हो रहा है सर्किट में, तो यहाँ पर फ़र्क रहेगा ना, अगर मैं बी पर रख रहा हूँ तो बी पोजिशन पर अगर मैं रख रहा हूँ तो जो फॉर्म हाँ तो R1 प्लस R2 प्लस R3 विल बी इक्वल टू वी जो भी आप उसमें लेंगे बाई एफ एस डी माइनस आर जी, वो अलग रेंज होगा जो वी 3 होगा मान लीजिए रेंज, फिर अगर मैं सी पे रख रहा हूँ तो R1 प्लस R2 आएगा वो अलग रेंज होगा, अगर मैं डी पे रख रहा हूँ तो अलग रेंज होगा, तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ और पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों में फ़र्क है, पैरेलल में क्या है कि आप सीधा सीधा इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर ले आएंगे, सीरीज में आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि ये R1 क्या है, तब फिर आप R2 जानेंगे, तब फिर आप R3 जानेंगे,
क्योंकि तीन अलग अलग अननोन है लेकिन तीनों गुथे हुए हैं आप में, आपस में, यहाँ तीनों आइसोलेटेड है। बस यही है जो एमीटर में किया था, ठीक है। तो ये मल्टी रेंज हो गया, ये डीसी वोल्टमीटर डीसी एमीटर खत्म हो गया। एसी में क्या कर रहे हैं कि क्वांटिटी एसी आया, क्वांटिटी एसी आया, उसको हमने पहले कन्वर्ट कर दिया डीसी में और फिर उसको लगा दिया इसके साथ। मतलब इसमें अप्लाई करने से पहले मैं एक रेक्टिफायर सर्किट लगा दूंगा तो डीसी से बदले वो एसी वोल्टमीटर एसी एमीटर बन जाएगा। इनपुट में मैं एसी दे रहा हूँ बट उसके बाद वो डीसी में कन्वर्ट करके एवरेज वैल्यू के हिसाब से रिटर्न, इतना ही फ़र्क है। तो आपको रेक्टिफायर सर्किट पड़ी है, फुल वेव, सेंटर टैप, ब्रिज, उसी को आपको इसके बगल पहले लगा देना है और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रेक्टिफायर सर्किट में दमदार है आपका। तो वो आपका फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही करना है, कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं है वहाँ पर। इसका थोड़ा कैलकुलेशन सिखा दिया, थोड़ा सा एक्सेप्टेड हो जाएगा आपको, दिमाग में ज़्यादा देर ठहरेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू के कारण आपको थोड़ा महसूस होगा, है ना, और चीज़ें नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनाएगा तो बिना नमक का खाना खा रहे हैं, कुछ महसूस नहीं होता, बेस्वाद है, ठीक है। हाँ फाइन, इतना ही था। इसके बाद जो है हमारे पास जो सेशन है वो कुछ अगर आ गया, रिवाइज आ गया शायद, वो दिसंबर तक का आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं तो बीच में ऑनलाइन क्लास देख लेंगे अगर कुछ ज़रूरत लगा तो, ठीक है। अब सेशन एक्सटेंड अगर हो रहा है तो ठीक है, फाइन। अब अभी एक किसी ने भेजा तो है बच्चे ने कि उसमें 12 दिसंबर दिखा रहा है सेशन एंड 17 नवंबर के बदले, हैं छुट्टियाँ, ये छुट्टी, वो तो छुट्टी अलग चीज़ है, छुट्टी भी शिफ्ट होगा, छुट्टी भी शिफ्ट हो जाएगा तब, तो जब आ जाएगा आधिकारिक तौर पे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, डन।